अरे राहुल, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। विदेश से पढ़कर आ गए, बड़ा टाइम बाद आए इस बार तुम। अब मोदी जी, पूरे 1.5 साल बाद पढ़ाई करके विदेश से आया हूँ मैं। वैसे राहुल, अब तुम विदेश थोड़ी जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो यहाँ पर अपने देश में ही रहकर नौकरी करोगे। हाँ योगी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब यहीं पे अपनी नौकरी देख लूंगा कोई, अपने देश में ही। और तुम सब लोग ठीक हो? और अखिलेश, तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो, कैसे बैठी हो? अरे कैसी नहीं बैठा, प्यास लग गई, लालू जी से पानी मंगाया था जग में, वही पानी पी रहा हूँ। लालू जी, एक जग में और पानी ले आओ, राहुल को भी पानी पिला दो, इतने टाइम बाद विदेश से आया है। अरे मोदी जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम्हारी दुकान अभी छोटी की छोटी है। जितनी छोटी दुकान मैं छोड़ के गया था पहले, इतने साल बाद भी तुम्हारी दुकान वही छोटी की छोटी दुकान रही, बढ़ाई नहीं तुमने दुकान। क्या राहुल, दुकान बढ़ाई जाए, इसी दुकान से अपना खाना पीना चल रहा है, क्या जरूरत है ज्यादा पैर फैलाने की? जितनी चादर हो उतना ही काम करना चाहिए। आदमी जैसे ज्यादा कमाता है वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं उसके, मैं तो इसी अपनी छोटी दुकान में ही खुश हूँ। अरे मोदी जी, एक 50 रुपए वाली चॉकलेट देना, बढ़िया सी चॉकलेट। तुम भी राहुल अजीब बात करते हो, ये छोटी सी दुकान है, इस दुकान में हमने कभी 2 रुपए से ऊपर बिस्किट का पैकेट नहीं बेचा, तुम 50 रुपए की चॉकलेट की बात कर रहे हो, नहीं ये चॉकलेट। क्या मोदी जी, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम पीछे जा रहे हो, सामान रखा करो, चॉकलेट रखा करो। आजकल तो चॉकलेट सब लोग खाते हैं और सारे दुकानदार रखते हैं। चलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक टॉफी दे दो। ये कौन सा फ्लेवर होता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, हमारे यहाँ तो संतरे वाली गोली है, 1 रुपए की 5 ले लो। अरे राहुल, कैसी कैसी चीजें मांग रहे हो, ऐसी चीजों के तो हमने नाम भी नहीं सुने। अरे चॉकलेट मांग रहे हो, इससे तो जाके केजरीवाल की दुकान से गुड़ ले लो, 5 रुपए का गुड़ खा लो, तुम्हारे जिस्म को लगेगा गुड़। और अखिलेश, कितना पानी पियोगे, पूरे 50 ग्लास पानी पी गए, तुम्हारा पेट है कि समुंदर है? नहीं योगी जी, मैं गुड़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता। ऐसा करो मोदी जी, एक इडली डोसा लगा दो। अजीब आदमी हो, विदेश में जाके लोगों को पढ़ा के आए हो या खुद पढ़ के आए हो? मुझे लगता है टीचर को उल्टा तुम पढ़ा के आए होंगे। परचून की दुकान पे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहे हो, इडली डोसा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुना है। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बोलो मोदी जी, क्या दिक्कत है, तुमने मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए क्यों बुलाया है, क्या दिक्कत है? ये भी योगी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा, ये आप देखो मुझे क्या दिक्कत है। अरे कुछ तो बताओ, ऐसे मैं किस चीज की दवा दूंगा, कुछ तो बताओ क्या दिक्कत है। कोई छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, खाना खाते ही भूख खत्म हो जाती है और पानी पीती प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अरे जब खाना खा लोगे तो भूख तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और पानी पी लोगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। अरे मोदी जी, डॉक्टर साहब को सपने वाली बात बताओ, सपने बाली। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, इन्हें खुद बोलने दो, मोदी जी को अपनी तबीयत इन्हें खुद बताने दो। कौन से सपने वाली बात बता रहे हैं ये अखिलेश, मोदी जी तुम बताओ। योगी डॉक्टर साहब, मुझे खुली आंखों से सपने दिखते हैं, जैसे मैं इस टाइम देखो सपना देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए, देखो मुझे खुली आंखों से सपने दिख रहे हैं। अरे मोदी जी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा सच में चेकअप कर रहा हूँ, ये कोई सपना थोड़ी है। यही तो दिक्कत है योगी डॉक्टर साहब, अब आप समझे, ये है हकीकत सब कुछ, लेकिन मुझे खुली आंखों से सपना लगता है कि सपना देख रहा हूँ मैं कोई। और हाँ एक चीज और, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ, जैसे मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे मोदी जी, अपने आप को तुम व्यस्त और बिजी क्यों समझते हो, दिन भर में कितनी बार खाना खाते हो? ज्यादा नहीं, 20 बार खाना खा लेता हूँ दिन भर में। अरे जब दिन भर में 20 बार खाना खाओगे तो खुद को तो बिजी समझोगे ही तुम, पूरा दिन तो तुम्हारा खाना खाने में निकल जाता है, पूरा दिन खाना खाने में ही व्यस्त रहते हो। क्या पूरा दिन योगी डॉक्टर साहब ही नहीं मोदी जी को देखते रहोगे, हम भी तो लाइन में खड़े हैं, हमें देखो। अभी देखता हूँ राहुल, तुम्हें अभी देखता हूँ, मोदी जी को बस दवा दे दूँ। हाँ योगी डॉक्टर साहब, मुझे दवा बता दो, किस मेडिकल पे मिलेगी? अरे आपकी दवा मेडिकल पे नहीं मिलेगी, केजरीवाल की जो परचून की दुकान है उस दुकान पे 2 खट्टी मीठी गोली ले लेना हाजमे वाली, वो ही काम करेंगी तुम्हारी, जाओ जाके वो 2 गोली खा लो, दिन में 20 बार खाए हुआ खाना तभी हजम होगा। बोलो राहुल क्या परेशानी है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है योगी डॉक्टर साहब, मुझे तो बस ये पूछना है कि आपके तरह डॉक्टर कैसे बन सकती हैं, क्या करना होगा इसके लिए, बस यही बता दो, मुझे यही पूछने आया था। डॉक्टर कैसे बनते हैं ये मैं 20 साल बाद बताऊंगा, तभी आना मेरे पास। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी, इस ढोलक को अपने हाथ में संभालो, मेरे हाथ में दर्द हो गया बजाते बजाते, बजाओ अब तुम, बहुत देर हो गई बजाते बजाते मुझे। ये कोई बात नहीं हुई मोदी जी, देखो जो जिसके घर आता है ढोल वो ही बजाता है, हम तुम्हारे घर आए हुए हैं, आज हम तुम्हारा ढोल बजाना देखेंगे, बजाओ तुम, हाथ में दर्द हो या कुछ हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जब तुम मेरे घर आए थे तो मैंने भी तो जमकर ढोल बजाया था।
और पुराने गाने सुनाए थे। अरे मोदी जी, ढोलक के साथ एक बढ़िया सा लोक गीत सुना दो। सुनाओ जल्दी जल्दी, बड़ा मजा आता है जब तुम लोक गीत सुनाते हो। देखो मोदी जी, ये बात तो पक्की है, जिसके घर पर हम आते हैं ढोल वो ही बजाता है। हम तुम्हारे घर पर आए तो ढोल तुम ही बजाओगे। बजाओ जम के ढोल। चलो ठीक है भाई, बात तो तुम्हारी मानना पड़ेगी। जब तुम मेरे घर आए हो, ढोल तो मैं बजा रहा हूँ और लोक गीत भी सुना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरे साथ साथ तुम भी गाओ। अखिलेश, तुम मेरा बहुत बढ़िया साथ देते हो, साथ में गाओ मेरे। अरे मोदी जी, ये कैसा बेसुरा सुर लगा रहा, सुर को जरा सुधारो। अच्छा सुधारता हूँ अखिलेश, अभी सुधारता हूँ, पहले पीछे पीछे साथ तो दो तुम मेरा। ओ, 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 ओ। अरे मोदी जी, कैसे उल्टे सीधे आवाज निकाल रहे हो, तुम्हारा मिलाप मिल ही नहीं पा रहा है। लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा अगर इस तरीके से तुम अपना मिलाप मिलाओगे। पता नहीं योगी जी, आज लय मिल ही नहीं पा रही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ आज तुम गाना गाओ। सुर के अपने तार छेड़ दो, आओ ढोलक अपने हाथ में लो, आ जाओ इधर बैठो मेरी जगह पर। अरे मोदी जी, ये तुम्हारे उल्टे सीधे बहाने नहीं चलेंगे। बहाने मिला रहे हो, उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहे हो। अरे तुम्हें अच्छी तरीके से गाना आता है, लेकिन खुद तुम सुनाना नहीं चाहते हमें गाना। तुम्हें लोकगीत भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन तुम हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाना चाहते। ऐसी अपने घर पर बुलाकर कोई बेइज्जती करता है? हम पिछली बार देखो योगी जी के यहाँ पर गए थे, कितना बढ़िया इन्होंने अपने सुर में भजन, लोकगीत और पुराने गाने अपने ढोल के बल पर सुनाए थे। पता नहीं आज ढोल भी तुम किस तरीके से बजा रहे हो, तुम्हारा ढोल का भी सुर अच्छा नहीं है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, जब से तुमने ये बैल खरीदा है, इस बैल ने पूरे गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। तुम्हारे इस बैल ने मेरी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी, जाकर देखो मेरे खेत पर। आज मैं तुम्हारे बैल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। योगी जी, जब से मैंने बैल क्या खरीदा, गाँव के लोग मुझसे जलने लगी है, क्योंकि इतना बढ़िया और ताकतवर बैल आस पास के किसी गाँव में नहीं है। तुम्हारा इतना तो नुकसान किया नहीं होगा मेरे बैल ने, कह देता हूँ मेरे बैल को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे क्या मोदी जी बेफालतू की बात कर, तुम्हारे बैल को देखकर गांव वाले क्यों जलेंगे? तुम्हारा ये बैल इतना खतरनाक है कि इसके सामने अच्छा अच्छा आदमी भी आने की हिम्मत नहीं करता। पहली बात, तुम अपने इस बैल को खुला क्यों छोड़ते हो? अरे इस बैल ने योगी जी का तो कम खेत खाया है, मेरा खेत जाकर देखो, पूरा का पूरा खेत तुम्हारा ये बैल खा गया। जबकि मैं अपने खेत की चौकीदारी भी कर रहा था वहीं पर खड़े खड़े, लेकिन मैं अपने खेत को तुम्हारे बैल से खाता हुआ देखता रहा, क्योंकि मेरी इसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, ये तो उल्टा डट जाता। सही कह रहे हो राहुल, मुझे इसके सींगों से बहुत डर लगता है। इसके सींग देख रहे हो, इसके एक सींग से दूसरे सींग में लोहे का तार या कोई वायर बांधकर कपड़े सुखा सकते हो, ऐसे सींग है इसके। योगी जी और राहुल, तुम जितना खतरनाक मेरे बैल को बता रहे हो, इतना खतरनाक तो है नहीं ये। वो अलग चीज है, देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन बहुत ही सीधा बैल है। पूरा दिन मैं इससे 10 बीघा खेत की जुताई करता हूँ अकेले। अरे जुताई तो करती हो मोदी जी, जुताई के बाद इसे खुला क्यों छोड़ देती हो? बांध के तो रखा करो अपने बैल को। अब इसने मेरा और योगी जी का खेत खा लिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन करेगा भरपाई? तुम्हारी दोनों की फसल उसके नसीब में थी, इसीलिए वो चट कर गया, अपने पेट में रख गया। अरे मोदी जी, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगा और वहां जाकर कहूंगा कि मोदी जी अपने बैल को खुला छोड़ देते, उनका बैल इधर उधर सबके खेत खाता फिरता है, जबकि खुद चारा लाकर काटकर उसे नहीं खिलाती। योगी जी, तुम्हें पता है मैं चारा नहीं खिलाता हूँ इसे, कहाँ तक चारा खिलाऊं? ये दिन भर में हाथी से भी ज्यादा चारा खा जाता है, इतना चारा मैं कहाँ से खिलाऊं? तभी तो मैं परेशान होकर इसे खुला छोड़ देता हूँ और कहता हूँ जा खा कर आ जा, पेट भर कर आ जा, तभी ये पेट भर कर आ जाता है। इसमें मेरी क्या गलती? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।